हेलो फ्रेंड्स, मैं सूर्यकांत राणा। इस बार 2022 में जो IIT जैम एग्ज़ाम हुआ वो मैंने दिए। उसके बाद मैंने आइज़र भोपाल में IPHD के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरे, तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल किया। तो उसके बाद मैं इंटरव्यू देने जाया भोपाल में। इस बार ऑफलाइन में इंटरव्यू थे तो इसलिए भोपाल में इंटरव्यू हुआ मेरा। मेरा इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस है तो वो मैं इस वीडियो के द्वारा आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। मेरा जो इंटरव्यू था वो 12 मई को था, और इंटरव्यू के जो टाइम के जो स्लॉट थे वो 9:30 से 6 बजे तक थे, और मेरा इंटरव्यू लगभग 25 से 26 मिनट तक चला। तो मेरा जो इंटरव्यू पैनल था उसमें 3 सेट थे। उन्होंने पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन लिया उन्होंने पहले, तो उसके बाद उन्होंने मुझे मेरा सब्जेक्ट प्रायोरिटी के लिए पूछा। तो मैं कहा लीनियर एल्जेब्रा, ग्रुप थ्योरी और रियल एनालिसिस। तो पहले जो सर थे उन्होंने मेरा जो इंटरव्यू का स्टार्टिंग किया वो ग्रुप थ्योरी से स्टार्टिंग किया, और ग्रुप थ्योरी से लगभग 4 उन्होंने क्वेश्चन किए। पहले जो क्वेश्चन था बेसिकली उन्होंने प्रॉब्लम्स मुझे पूछा। जो फर्स्ट जो प्रॉब्लम था वो था एक क्वेश्चन, उन्होंने कहा कि मुझे 49 ऑर्डर का एक ग्रुप दिए। उसके बाद उन्होंने कहा क्या आप 49 ऑर्डर के इस ग्रुप से D8 में क्या आप ऑन टू होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हो। तो मेरे आंसर के बाद उन्होंने उसका रीज़न भी पूछा। उसके बाद जो दूसरा सवाल था वो था एक बेसिक क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑर्डर नॉन साइक्लिक ग्रुप। तो मैंने कहा K4। तो उसके बाद उन्होंने K4 का स्ट्रक्चर मुझसे पूछा। उसके बाद तीसरा और चौथा सवाल एक साथ ही किया, जो था तीसरा सवाल था Q8 से K4 में टोटल नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, और चौथा सवाल था Z4 से K4 में टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो उसके बाद जो नेक्स्ट सर थे उन्होंने लीनियर एल्जेब्रा से स्टार्टिंग किया। तो लीनियर एल्जेब्रा का जो क्वेश्चन था वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, उन्होंने बेसिकली मुझसे प्रूफ कराया लीनियर एल्जेब्रा से। तो फर्स्ट जो कहा उन्होंने मुझे 2 मैट्रिक्स दिया था, दो ऑर्डर के 2 मैट्रिक्स ए एंड बी। उसके बाद कहा कि आप ए बी और बी ए का आइगन वैल्यू के बारे में बता सकते हो। तो मैंने कहा आइगन वैल्यू सर सेम। तो उसके बाद उन्होंने प्रूफ कराया क्यों दे आर सेम। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन था वो था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के डेफिनेशन। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय आइगन वैल्यू। नीलपोटेंट मैट्रिक्स से भी एक क्वेश्चन किया था, नीलपोटेंट मैट्रिक्स के रिलेटेड, ए और बी बी टू में 2x2 मैट्रिक्स, एंड इफ ए बी स्क्वायर इक्वल टू 0 देन प्रूव बी ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये था क्वेश्चन लीनियर एल्जेब्रा। जो तीसरे सर थे उन्होंने रियल एनालिसिस से मैंने मुझे क्वेश्चन किए। रियल एनालिसिस से बेसिकली एक ही क्वेश्चन किया था सीरीज रिलेटेड। उन्होंने कहा अगर आपको एक सीरीज देता हूँ an, अगर ये an सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट देन व्हाट कैन यू से अबाउट an स्क्वायर। जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था वो अच्छा ही था। तो आप लोग जो इंटरव्यू के लिए और जो तैयारी कर रहे हो तो आइज़र की, तो अब जो बेसिक पढ़ते हो वही बेसिक मतलब जो बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। और अब वहाँ पर जब आंसर देंगे तो लैंग्वेज डजंट मैटर, आप हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। और आपका जो आंसर होना चाहिए वो टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए, और अगर आप कहीं भी अटक जाते हो तो वो हेल्प करेंगे आपको। और मैंने मेरा जो प्रिपरेशन था वो मैथमेटिक एजुकेशन से किया, और संजीव सर जो हम लोगों को जब पढ़ाते थे तो उनका जो लेक्चर है वो लेक्चर में जब प्रूफ करते थे वो प्रूफ को खुद से ट्राई कीजिए, बिकॉज़ वो प्रूफ का जो तरीका है वो दूसरे कोई जो रिज़ल्ट है वो सॉल्व करने के लिए काम आएगा। इस तरह का इंटरव्यू में ये नहीं है जो आप लोगों को केवल क्वेश्चन ही करेगा, हर क्वेश्चन का पीछे में जो रीज़न होता है वो भी आपको बोलना पड़ेगा। तो यही था मेरा इंटरव्यू, थैंक यू।